हाय गाइस, इट्स मी GW करण। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले सफेद टिपिल फोर सफेद भाई का काला साच रिवील करने वाले। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखो एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो जो लोग सफेद भाई का अंधभक्त है उन लोगों के पास। एंड मेरे को पता है कि आप लोग मतलब कमेंट में गाली दोगे, बट गाली देने से पहले एक चीज सुन लो। सफेद भाई का जो न्यू आईडी है वो भी बैन है, सफेद भाई का जो ओल्ड आईडी है वो भी बैन है, सफेद भाई ने जिस आईडी से नुबड़ू के साथ वर्सेस किया था वो आईडी भी बैन है। मतलब सफेद भाई ने आज तक जितने भी आईडी से गेम खेला है मैक्सिमम आईडी जो है उनका बैन पड़ा हुआ है। ओके, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। एंड काफ़ी सारे बंदे मेरे को ये भी कमेंट कर रहा था कि तूने पिछली वाले जो सफेद वाले वीडियो बनाया था वो वीडियो क्यों प्राइवेट कर लिया, वो मतलब सफेद हैकर नहीं है तो गरीना ने खुद से रिमूव कर दिया या फिर सफेद भाई ने खुद से रिमूव कर दिया। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है गाइस। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वीडियो मैंने प्राइवेट कर लिया था क्योंकि गाइस आप में से काफ़ी सारे ऐसे पिकाचू है जो मतलब गाली वाली देते रहते हैं बिना कुछ सोचे समझे गाइस, मतलब सफेद मेरा पापा ऐसा करते रहता है गाइस, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है रिमूव कर लिया था। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखो गाइस। आज के वीडियो में मैं जो है सबको खोल के बजाने वाला हूँ कैसे आप लोगों को चूतिया बनाता है बाहर के जो बंदे होते हैं वो। आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पक्का मतलब यकीन आएगा कुछ बंदे को, और कुछ बंदे अभी भी सोचेंगे कि मतलब सफेद हमारा पापा है, सफेद को बचाना जरूरी है ऐसा सोचेंगे गाइस। ओके, तो सफेद ने मतलब जो पहला आईडी बैन होने का रीजन दिया था वो दिया था कि उसने नुबड़ू के साथ वर्सेस किया था, इसलिए जो है मतलब इलीगल तरीका था, वो हैकर के मदद से जो है उसके ग्रुप में जाता है एंड उससे वर्सेस करता है, तो इसके वजह से उसका मेन आईडी बैन हो जाता। मेरा कहना ये है कि जब तुम मीना का बंदे हो, मीना का मेन आईडी कैसे बैन हो सकता है जब तुमने ब्राजील में वर्सेस किया। ओके, तो यहाँ पे एक सफेद ने झूठ बोला गाइस, सफेद झूठ बोला है आप लोगों को मतलब भड़काने के लिए, समझ सकते हो। एंड आप में से जो अंधभक्त है वो तो भाई भड़क ही जाएगा कि भाई मतलब ऐसा होता है गाइस, पार्टनर प्रोग्राम से निकाल दिया भाई बंदे को, समझ रहे हो, इसी के रीजन के वजह से। एंड सेकंड थिंग, उसने ये बोला था कि मैं ये जो आईडी है इस आईडी से खेल रहा हूँ जो है 6 महीने से, ठीक है, एंड ये आईडी बैन नहीं हुआ गाइस, नॉनस्टॉप के इंटरव्यू में ऐसा ही बोला था। यू यूजिंग ग्लिच फाइल एंड ऑल दैट, सो इज इट इलीगल इन योर सर्वर टू यूज दिस थिंग्स? अच्छा, नो इलीगल। एंड बीरो, इसने ये भी बोला था कि मतलब इसके सर्वर में जो ग्लिच फाइल होता है वो इलीगल नहीं है, तो ग्लिच फाइल की वजह से इसका आईडी तो बैन हो नहीं सकता। ओके, एंड ग्लिच फाइल मेनली ये इस आईडी पे यूज नहीं करता, ग्लिच फाइल वाला जो आईडी होता है वो अलग आईडी से यूज करता है, ये गेस्ट आईडी बनाता है, मतलब नाम आप लोग चेक कर सकते हो। ओके, एंड ग्लिच फाइल यूज करने की वजह से इसने तो पहले ही बोल दिया कि इट्स नॉर्मल, इसकी वजह से बैन होता नहीं है, बट अगर आप लोग चेक करोगे इसका वीडियो तो आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब ये ग्लिच फाइल यूज करता है दूसरे आईडी पे, नाम से पता लग जाता है गाइस। ओके, एंड मेन चीज, जो ग्लिच फाइल वाला मतलब आईडी होता है उस पर 2-3 ही इमोट होता है। एंड ये देखो गाइस, हमारे सफेद भाई का पहला वाला आईडी ये तो बैन हो चुका है गाइस, इसने एक सफेद झूठ बोला था कि नोबड़ू से वर्सेस किया था इसलिए बैन हुआ था, ये वाला आईडी मतलब मीना वाला आईडी ब्राजील पे वर्सेस करने से बैन हो रहा था, ठीक है, चलो मान लिया ये बात सच है, ठीक है, मान लेते, ठीक है। बट ये देखो, ये वाला जो सेकंड वाला आईडी है मतलब जिससे इंटरव्यू दिया था नॉनस्टॉप के साथ, ये वाला आईडी भी बैन हो चुका है 30 दिन से, ठीक है। तो एक बंदे का 2-2 आईडी बैन कैसे हो सकता है? मैं मान लेता हूँ कि एक आईडी पे जो है फेसबुक डिसेबल हो गया या फिर कुछ मतलब ऐसा रीजन के वजह से बैन हो सकता है, बट सेकंड आईडी भी बैन हो गया इसका। ओके, देखो यहाँ पे ये वाला जो आईडी है मतलब नॉनस्टॉप को बोला था कि मैं इस आईडी से 6 महीने से खेल रहा हूँ, फिर भी ये आईडी मतलब बैन नहीं हुआ, इसका ये आईडी बैन हो चुका है गाइस, देख सकते हो आप लोग। ओके, तो इससे क्या प्रूफ होता है, ये हैकर हैक यूज करके खेलता है। एंड देखो, कस्टम में अगर आप हैक यूज करते हो ना तो आप का मतलब आप अगर अपने बंदे को रखोगे तो रिपोर्ट क्यों मरेगा वो बंदे, एंड जब तक रिपोर्ट नहीं पड़ेगा तब तक आपका आईडी बैन नहीं होगा। एंड इसने गेम कितना खेला है आप लोग देखोगा इस चेक करके, ठीक है, मतलब लाइफ टाइम का इतना सारा गेम होता है लिटरली, मतलब 1000 गेम, किसी पे 3000 गेम, किसी पे 1500 गेम, मतलब इतना गेम हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। बंदे ने गेम इसलिए नहीं खेला क्योंकि इसके आईडी पे रिपोर्ट ना पड़े, रिपोर्ट पड़ने से इसका आईडी पहले ही बैन हो जाता है। ओके, एंड कस्टम जब ये ओपोनेंट मतलब कोई मीना वाले यूट्यूबर होता है या फिर कुछ और होता है तब इस आईडी से जो है कस्टम खेलता है, बट मॉन्टेजेस इस आईडी से नहीं बनाता, वो दूसरे आईडी बनाता है जिसपे ग्लिच फाइल यूज करता है, सीजन 1 वाला ग्लिच फाइल यूज करता है उससे बनाता है। एंड एक और चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस, अभी देखो ब्राजील सर्वर में जिससे नोबड़ू से वर्सेस किया था ना वो आईडी भी बैन पड़ा हुआ है गाइस, ठीक है, मतलब एक बंदे का 3 आईडी बैन है, आप उसको हैकर नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे बताओ। मतलब मैं मानता हूँ कि एक आईडी उसका जो है फेसबुक डिसेबल हो गया, ठीक है, चलो मान लिया ये, ठीक है, और एक आईडी जो है नोबड़ू से मतलब वर्सेस करने की वजह से बैन हो गया, ठीक है, चलो मान लिया, बट 3 आईडी कैसे बैन हो सकता है? एक बंदे का मतलब 3 आईडी बैन हो रहा है, मतलब हर एक जिस आईडी पे खेल रहा है उसी आईडी को बैन कर रहा है वो, उस बंदे को आप कैसे यकीन कर सकते हो, मतलब पापा कैसे बना सकते हो? जो पिकाचू लोग हैं वो लोग तो कमेंट करेगा ही, उन पे ध्यान नहीं देने का गाइस।
आप लोगों में से जितने भी बंदे मेरे को सपोर्ट करते हो, आप लोग कमेंट करो कि आप लोग इसको क्या लगता है, आप लोगों को मतलब क्या लगता है कि ये हैकर है या फिर क्या है गाइस। मेरे को तो भाई पक्का हैकर लगता है, क्योंकि भाई जिसका 3 ID बैन हो चुका है, जो मतलब खुद का डिफेंस में झूठ बोल देता है, सफ़ेद झूठ बोल देता है, वो मतलब उसके पास और कोई चारा नहीं था कि सफ़ेद झूठ बोलने के अलावा, ठीक है। और हम लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है जो पिकाचू ऑडियंस को सपोर्ट करे, मतलब पिकाचू ऑडियंस जैसे मतलब किसी को भी अंधभक्त बन जाए, समझ रहे हो। तो इतना बेवकूफ़ तो मैं हूँ नहीं, तो इसीलिए जो है मेरे को लगा जो वो मैंने बोल दिया। अभी आप लोग देखो कि क्या है ये, जिसका 3, 3, 4, 4, 5, 5 ID बैन है, एंड हर एक मॉन्टेजेस पे अलग अलग ID यूज़ करता है, एंड वो ID किसी दिन बाद बैन हो जाता है, जब तक मतलब वो रैंक खेलता है तब तक बैन हो जाता है वो ID, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं गाइस, बताओ आप लोग, ठीक है। चलो मान लिया आप लोग जो है अंधभक्त हो, बट इतना भी अंधभक्त मत बनो कि मतलब आप उसको पापा ही बना लो, समझ रहे हो। तो भाई मतलब हद करो यार, शर्म करो भाई, तुम लोग शर्म करो भाई। जिसका ID इतने बार बैन हुआ है उसको भाई तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो। चलो एक ID बैन होता है, मानता हूँ कि मतलब तुमने गलती से किया या फिर तुम फेसबुक डिसेबल हो गया तुम्हारा, ठीक है। बट इतने सारे ID भाई, हद है भाई, मतलब तुम फिर भी अंधभक्त बनना है तुम्हें भाई, हद है, मतलब क्या ही बोलूँ। और अभी किस ID से खेल रहा है मेरे को पता नहीं है, जिस दिन पता लगेगा उस दिन मतलब उस ID को फॉलो करना स्टार्ट करूँगा, एंड देखूंगा कब तक बैन होता है, ठीक है। एंड एक और चीज़, इसके गिल्ड में काफ़ी सारे ऐसे बंदे थे जो मतलब हैक यूज़ करके खेलते थे, तो उन लोगों का भी ID बैन हो चुका है, ठीक है। मतलब एक हैकर था, उस हैकर ने जो है हैक किया, एंड इसके गिल्ड में जितने भी मेंबर्स थे सबका UID चेक कराया, ठीक है। तो मैंने सबका UID चेक किया रिसेंटली, मतलब काफ़ी सारे ऐसे बंदे थे जिनका ID जो है मतलब बैन हो चुका है गाइस, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ ये सफ़ेद भाई का भी ID बैन हो चुका है गाइस, मैंने देखा। तो भाई मतलब हैकर है भाई यार, तुम लोग फिर भी भाई ये सब करते रहे। तो उसका एम देखे थे ना, नेक्स्ट मतलब जो पुराने टाइम पे, जिस टाइम पे मतलब मैंने बोला था इसके ऊपर, उस टाइम पे इसका एम देखा था आप लोगों ने, तो कैसा था आप लोगों को तो पता ही है भाई, अब बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या बोलूं भाई, अब तुम लोगों को जो करना है करो गाइस, बस शेयर करो वीडियो को गाइस, शेयर करो, जिससे मतलब जो पिकाचू ऑडियंस है ना, जो लोग इनको मतलब अंधभक्त है, जो लोग इनका अंधभक्त है, उन लोगों को पता चल जाए। एंड एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो बिनजेद गेमिंग नाम का बंदा है, जिसके वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब उनके वीडियो से मेरे को पता चला कि इसका ID बैन हो चुका है। तो मैंने भी काफ़ी सारे रिसर्च किया एंड उसके बाद किया, एंड बिनजेद गेमिंग जो है वो मतलब जो बोलता है ना गाइस, वो लिटरली एकदम सच होता है, क्योंकि मैं उसको जो है बहुत टाइम से मतलब फॉलो करते आ रहा हूँ, जब मेरा चैनल नहीं था उस टाइम से, ठीक है। उसका चैनल था, वो जो है मंथ में या फिर वीक में एक वीडियो ही छोड़ता था, बट एकदम क्वालिटी वीडियो होता था, मतलब जो भी बोलता था, पहले टिप्स एंड ट्रिक्स दिया करता था, अभी जो है वो मतलब छोड़ दिया टिप्स एंड ट्रिक्स देना, क्योंकि इंडिया कम्युनिटी चेंज हो गया ना, DJ लोग ये वगैरह वगैरह चलता है, तो मतलब किसी को भी पापा बनाते फिरते हो तुम लोग भाई, पिकाचू लोग, तो सबको मैं नहीं बोल रहा, बट पिकाचू जो होते हैं ना वो लोग ऐसे ही करते हैं, तो उन लोगों को बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो है सब मतलब जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर थे, जो लाइक बिनजेद गेमिंग हो गया, और भी साइन इन निक हो गया, सुदीप सरकार भाई, कितने सारे सारे भाई, कितने अच्छे अच्छे भाई फेयर प्लेयर्स थे भाई, समझ रहे हो, इंडिया रीजन में। फिर आप लोग भाई ऐसे मतलब हैकर को सपोर्ट करोगे तो कैसे चलेगा भाई। चलो कोई बात नहीं गाइस, अगर आप फिर भी मतलब आप लोग गाली वाली देते हो कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैं एक वीडियो ऐसे भी बनाऊंगा जो सफ़ेद का पापा नाम का कोई बंदा आएगा और पेल के जाएगा गाइस, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।